हमीरपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर सरीला कस्बे में भगवान शिव का चलेश्वर मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। चंदेलकालीन शिव मंदिर के गर्त में तमाम ऐतिहासिक रहस्य समाये हुए हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर लगा शिलालेख आज तक कोई पढ़ नहीं सका। शिव मंदिर का रखरखाव मंदिर समिति करती है। कस्बे के मध्य ऊंचाई वाले इलाके में बना प्राचीन शिवालय शलेश्वर मंदिर का निर्माण और इतिहास आज तक उजागर नहीं हो सका। चंदेलकालीन मंदिर और मठों की तर्ज पर पत्थर के शिलापटों से बने इस मंदिर को भी चंदेलकालीन माना जाता है। शिव मंदिर है सलेश्वर मंदिर, ये महाभारत काल से इसका इतिहास मिलता है और ये 800 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ की मंदिर की बनावट देखें और पुण्डेश्वर मंदिर की देखें तो दोनों की बनावट सेम है और यहाँ जो शिव की मूर्ति है, शिवलिंग है, वो स्वयं भी प्राकट है और इसका इतिहास भी महाभारत काल में मिलता है। यहाँ लगातार 47 साल से 46वां हो चुका है, 47वां इस बार महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जा रहा है। चूँकि इसमें बुंदेलखंड से नहीं पूरे उत्तर प्रदेश और दूसरे देशों से भी लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं। चूँकि ऐसी मान्यता है भगवान शंकर की कि जो शिवरात्रि के दिन यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने आता है उनकी सभी मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। इसी उपलक्ष्य में ये 47वां महाशिवरात्रि का महोत्सव मनाया जाता है। नगर से दूर दराज से सभी लोग यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। आप देख रहे होंगे श्रद्धालुओं किस तरह से भीड़ लगी हुई है और यहाँ के मुंबई से भी फिल्मी कलाकार भी इससे छूटे नहीं रहे हैं जो हमारे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने महाशिवरात्रि के महोत्सव में आते हैं। का इतिहास तो बहुत पुराना है। महाभारत काल में महाराज शल्य थे जो अर्जुन के मामा थे। अर्जुन के मामा उन्हीं का ये महाराज शल्य का बनवाया हुआ मंदिर है और श्री कृष्ण जो इनके पुत्र थे प्रथम उनके नाम से जो है उन्होंने ये शंकर जी की स्थापना की थी। और आज जो ये शिव बरात या शिवरात्रि निकाली जाती है ये 47 वर्षों से लगातार जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ लोग बाग जो आस्था लेकर के आते हैं उनकी आस्था भगवान शंकर पूरा करते हैं। कोई भी सज्जन यहाँ आवे उस हिसाब से यहाँ जल जलाभिषेक करे और जलाभिषेक के उनकी मनोकामना जो है वो भोले बाबा पूरी करते हैं। इस तरह से यहाँ का पुराना इतिहास है। चलेश्वर महादेव मंदिर के गर्भ में भारी भरकम शिवलिंग स्थापित है। लोग इसे राजा शल्य के महल का मंदिर भी बताते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक शिला लेख लगा है लेकिन अथक प्रयासों के बावजूद इसे पढ़ा नहीं जा सका। लोगों का ये भी दावा है कि मंदिर का शिवलिंग हर वर्ष एक चावल जितना लंबा और मोटा हो रहा है। इसकी प्रामाणिकता शिवरात्रि पर की जाती है। भगवान शंकर जी चंदेलकालीन मंदिर बहुत ऐतिहासिक सिद्ध मंदिर है। मैं आपको बता दूं इसका प्राचीन इतिहास बता दूं कि इस मंदिर में जो भी पूर्ण भाव के साथ भगवान शंकर से अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए मांगता है तो ये मंदिर निश्चित भगवान भोलेनाथ उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक इसकी खास बात और बता दूं, ये पिंडी जो आपने भगवान शंकर के उसमें मठों में देखा होगा पूरे देश में जो मठ है उसमें से एक मठ सलेश्वर धाम से नाम से जाना जाता है और प्रतिवर्ष ये पिंडी एक इंच एक चावल के रूप में यहाँ पर बढ़ती है। कई बार हमारे उन्होंने नाप भी ली है लेकिन चावल के रूप में हर वर्ष पिंडी बढ़ती है और आज भव्यता के साथ सुंदर के साथ मंदिर को सजाया गया है। पूरा नगर इस समय शादी ब्याह भी होती है भगवान भोलेनाथ में। इसमें सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर शादी भी करते हैं, कई जोड़े आकर के अपना विवाह करते हैं जो निःशुल्क होता है। एक विवाह समिति होती है जिसमें अपना प्राण के संकांड संपन्न करते हैं। वही शिवरात्रि के मौके पर होने वाले शिव विवाह में शिवलिंग पर चढ़ने वाला जनेऊ हर वर्ष छोटा पड़ जाता है। वहीं ब्लॉक रोड पर मंदिर से करीब 1 किलोमीटर दूर एक प्राचीन कुआं है जिसे शलऊ कुआं कहा जाता है। चलेश्वर मंदिर से इसका जल मार्ग जुड़ा हुआ है लेकिन मंदिर के किस मार्ग से शिवलिंग पर चढ़ाया जल इस कुएं में जाता है ये कोई ढूंढ नहीं पाया। शिवलिंग पर होने वाले जलाभिषेक इस गुप्त रास्ते से कुएं में आता है। लोगों की मान्यता है कि इस कुएं में नहाने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ की इस माया से हर कोई इस मंदिर की ओर खींचा चला आता है। शिवरात्रि के समय यहाँ शिव बारात का आयोजन करीब 47 वर्षों से होता चला आ रहा है। सावन के महीने में दूर दराज से कांवड़ियाँ यहाँ आकर जलाभिषेक करते हैं। पूरे वर्ष हर सोमवार को यहाँ कीर्तनों का आयोजन होता है।
ऐतिहासिक श्री सलेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन हजारों की संख्या में लोग शिव भक्त आते हैं, जहां आज के दिन शिव बारात निकाली जाती है। आप देख सकते हैं सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने आते हैं, और यहां शिव बारात में तरह तरह के अलौकिक झांकियाँ, सांस्कृतिक बुंदेलखंड एवं देशभक्ति झांकी के साथ शिव बारात निकाली जाती है। रविंद्र सिंह, पंजाब की सिटी भी हमीरपुर।